सुनिए, आपको अपने नाना बाबू कैसे लगते हैं? मुझे अपने नाना बाबू बहुत अच्छे लगते हैं और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, यही वजह और उनके पास मैं रहती हूँ और वो मुझे अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। आप उनकी लाडली हैं? बहुत ज़्यादा। एज अ पोइट कितने लगते हैं आपको? एज अ पोइट वो मेरे नाना बाबू बहुत ही ग्रेट पोइट हैं और मुझे उन पर प्राउड है। आप उनको अंडरस्टैंड करती हैं, उनकी पोइट्री आपकी समझ में आती है? जी थोड़ी बहुत आती है, काफ़ी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं समझ में नहीं आते। अच्छा, आपके नाना बाबू बहुत सारे काम करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो आप उनको डिस्टर्ब करती? जी कभी कभी, कभी कभी नहीं, मतलब मैं बोर हो जाती हूँ तो कहती हूँ आप भी बस छोड़ें आपसे बातें करें। अच्छा, आप अच्छा आप कितना अर्सन के साथ रही हैं? मैं इनके साथ अभी 3 महीने हुआ मुझे। इससे पहले भी आती रहती थी वैकेशंस में और कभी कभी वीकेंड पे आ जाते थे, आते रहते हैं बचपन से। तो आप कैसे हैं मुकसद, शुरू से लेके आज तक एक जैसे रहे, चेंज होते रहे? नहीं, बस शुरू से ही, लेकिन नाना बहुत मुझसे प्यार करते ज़्यादा और मुझे कराची भी अच्छा लगता है और नाना नानी अकेले भी होते हैं, तभी उनसे ये देखा नहीं जाता ना कि भाई ये अकेले हैं, कोई ना कोई हो मतलब नाना बू के साथ। अच्छा, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएँ तो उनका मूड कैसा हो जाता है? थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। डांटते हैं? थोड़ा सा। इज़हार कैसे करते हैं अपनी नाना से? वो कहते हैं, मतलब जब मैं टीवी फुल वॉल्यूम में थोड़ा वॉल्यूम करती हूँ तो कहते हैं वॉल्यूम कम करो, और जब मैं डैग चलाती हूँ तो उसका कहते हैं थोड़ा वॉल्यूम कम करो। आपको क्या लगता है उनके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या उनके मुश्किलात हैं उसके लिखने के अलावा? लिखने के अलावा उनको मैं नहीं समझती कि किसी और चीज़ में उनको इतनी इंटरेस्ट होती, उनको अपने बुक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आप क्या करती हैं? जी मैं बीटेक इंटर में टेक्सटाइल कॉलेज में टेक्सटाइल डिजाइनिंग करती हूँ। जी नक्कूश अच्छे लगते हैं आपको? जी। आपके नाना जो शायरी के नक्कूश उभारते हैं वो आपको कैसे लगते हैं? अब डिजाइंस की अलग बात है, वो तो अदब है, वो तो अलग बात है उसकी। लेकिन ये भी होता है कि जो शायरी होती है वो भी रिलेटेड है डिजाइंस से, आई थिंक सो। और तो ऐसा तो नहीं है कि नाना अबू की वजह से आपने ये अपना फील्ड इसकी चॉइस? नहीं नहीं, ये मेरी अपनी मतलब पसंद थी। आगे क्या बनना है आपने? मैंने आगे टेक्सटाइल डिजाइनर। एक आपका नाम क्या है? सोनिया। कहाँ रहती हैं आप? मैं यहाँ पर फिलहाल तो नाना अबू के पास रह रही हूँ, कराची में। ऐसे हैदराबाद में रहती हूँ। ठीक सर, थैंक यू। आपके पास है सर? आप एक इंतहाई मसरूफ ज़िंदगी गुजार चुके हैं और आजकल आपने गोशा नशीनी रहती हुई, तो ये वक्त आपको कैसा लग रहा है आजकल? गोशा नशीनी में तो मेरी मसरूफियतें और बढ़ गई हैं। इस गोशा नशीनी में मैंने कम से कम कोई 20-22 किताबें लिखी। तो सवाल यह है कि वो चेंज ऑफ लाइफ है, फकत मसरूफियत एक वकालत में थी जी। जो बैरूनी दुनिया के साथ मेरी इतनी कांटेक्ट थी और ये अंदरूनी दुनिया के साथ कांटेक्ट है। यहाँ मैं काफ़ी मसरूफ ज़िंदगी गुजारता हूँ, रिसर्च करता हूँ, किताबें लिखता हूँ, उनके लिए कई एक रेफरेंस बुक्स देखता हूँ। सर आप एक इंतहाई मसरूफ जिंदगी गुजार चुके हैं और आजकल आपने गोशा नशीनी अख्तियार की हुई है, तो इस वक्त आपका वक्त कैसा गुजरता है? वक्त तो मेरा बिल्कुल ठीक गुजर रहा है और तनहाई में मेरी मसरूफियतें और बढ़ गई हैं। ये गोशा नशीनी में मुझे काफ़ी टाइम मिलता है लिखने पढ़ने के लिए,
और मैंने कोई 22 के करीब किताबें तस्नीफ दिए हैं इसी दौरान में, 5-6 साल से जहाँ जब से यहाँ रह रहा हूँ। बस उस पहले तो ज़िंदगी में काफ़ी लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ करती थी, मुशायरों में मूव किया करता था, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया करता था, वकालत की ज़िंदगी में सैकड़ों लोग मेरे कांटेक्ट में आते थे, जिनके मुतालिक मैं चौथी वॉल्यूम जो है मेरी ऑटोबायोग्राफी थी कि वकालत के एक्सपीरियंस जो हैं उसके लिए लिख रहा हूँ। तो ज़िंदगी ठीक है उधर रही है, वह बीमारी की वजह से मैं यहाँ आ गया था जी, वरना तो मैं बहुत खुश था सफ़र में। सर आपको कैसा महसूस होता है कि कौन सा दौर आपकी ज़िंदगी का ज़्यादा बेहतर रहा, ज़िंदगी का आपका कौन सा दौर ज़्यादा बेहतर रहा, माजी वाला या हाल वाला? भाई पीरी तो जैसे ना एक बहते हुए पानी पे शफ़त का अक्स होता है, वो सबसे प्यारा लगता है। तो मुझे कोई पीरी नागवार नहीं गुजरती और मैं इससे मुतमैन हूँ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार देखे, बचपन देखा, जवानी देखी, लेकिन इस में मसरूफियत में जो है और इस पीरी के ज़माने में मैं बहुत खुश गुजार रहा हूँ। सर आप अपने आप को एक शायर के अलावा और क्या कहलाना पसंद करते हैं? मैं नसर भी लिखता हूँ तो एक अदीब कहलवाना पसंद करूँगा। मैं तकारीर इंग्लिश में किया करता था घंटों भर हाई कोर्ट में, जब से अंग्रेज़ी से मेरा ज़्यादा रابطہ नहीं रहा तो अब जब सिंधी में बोलता हूँ तो दो दो तीन तीन घंटे एक वक्त बोल जाता हूँ, बोल लेता हूँ। बस और किसी सैर सफ़र से मेरी सैर सियासत बहुत मोहब्बत थी, दुनिया में काफ़ी ममालिक देखे और पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान का सफ़र किया, लेकिन अब क्योंकि मुझे आर्थराइटिक पेन रहता है तो मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा सफ़र की कोई गुंजाइश नहीं, बैरूनी सफ़र की नहीं, अंदरूनी सफ़र की है। एक मरतबा ये फ्रेंच फलसफी जो था शोपेनहावर, वो एक बगीचे में खड़ा था और फूलों को देख रहा था और कुछ आपस से बात कर रहा था, तो माली ने जब देखा तो वो हैरान हो गया कि फूलों से क्या बोलता है। उससे पूछा कि मुझसे हो और आप कौन हैं, तो शोपेनहावर ने कहा कि अगर आप मुझे बता दें कि मैं कौन हूँ तो मैं उम्र भर आपका एहसान मंद रहूँगा। तो ये मैं कौन हूँ वाली कैफियत जो है मुझ पर छाई रहती है, जो मेरी ऑटोबायोग्राफी में भी ज़ाहिर होती है और मुझे मसरूफ भी रखती है। आपकी ज़िंदगी में प्लानिंग कितनी काम आई, मनसूबाबंदी आपने कितनी मरतबा की और कितनी मरतबा आपके काम आई प्लानिंग? मैंने समझा आपकी ज़िंदगी में आपने कभी प्लानिंग की है, मनसूबाबंदी की है कभी आपने किसी चीज़? नहीं, मैं तो उमर खयाम की तरह हूँ कि दो चीज़ों का ख्याल ना रखना चाहिए, रोज़े के गुज़श्त, रोज़े के ना आमद और रोज़े के गुज़श्त। जो रोज़ नहीं आया और जो रोज़ गुजर गया उनका ख्याल ना किया करो। तो प्लानिंग मैं नहीं करता, मुस्तकबिल के लिए भी नहीं करता, ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी जहाँ तक चले। किस किस्म के लोग आपकी ज़िंदगी में आपके नज़दीक रहे हैं? वैसे तो मैं अपने आप को कंपनी देता रहा हूँ, मैं एक है आदमी बजाय खुद मशर ख्याल, हम अंजुमन समझते हैं कि कलवती क्यों ना हो। तो गालिब ने ठीक ही कहा था कि इंसान बजाय खुद एक अंजुमन है। वैसे जिंदा लोगों के साथ अदीब वगैरह शोरा जो हैं उनके में से कम लोग हैं जिनके साथ मेरे तल्लुकात रहे, बाकी दुनिया भर के अदब का मैंने मुतालिया किया है और मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे हमसाए हैं और
उनके साथ मेरी मोहब्बत हो गई है, उनकी किताबें पढ़ता रहता हूँ। बाकी यहाँ पाकिस्तान में एक ही शायर था, फैज़ अहमद फैज़, जिसके साथ मेरे दोस्ताना ताल्लुकात थे। उससे पहले जवानी में कुछ शुरा थे जी, जो सखर में मेरे साथ रहा करते थे, खुसूसन आफाक सिद्दीकी, जिसने मेरे पहले मजमूए कलाम बुए गुलनाले दिल की को तरतीब दी थी जी। बाकी मेरा कम रहा है, राइटर्स गिल्ड में काफ़ी शुरा के साथ मेरे तलुकात रहे। मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पे था राइटर्स गिल्ड के 6 साल के लिए, तो ये जमीलुद्दीन आली वगैरह ये मेरे दोस्त हुआ करते थे, कुदरतुल्लाह शाह, तो ऐसे लोगों के साथ, तो कई दोस्तों के साथ वक्त गुजारना पड़ा। अच्छा, वह सिंध में शुरा तो कम है, लेकिन अदीब जो हैं उसमें ये मोहम्मद इब्राहिम जो है चेयरमैन अदबी बोर्ड का जी, उसके साथ मेरे खासे अच्छे तलुकात रहे हैं। मौलाना ग्रामी मरहूम, जिसने मेरे दफा में एक बहुत लंबा मजमून लिखा था, उनके साथ तलुकात थे, और कई एक लोगों के साथ तलुकात थे जो नाम जिन में नहीं आ रहे। यहाँ सत्य हसन के साथ तलुकात हुआ करते थे, उनके साथ मिला करता था। ऐसे कई एक लोग मेरी ज़िंदगी में आए जी, उनमें जज थे, वकला थे, मुवक्किल थे, और तरह तरह के जुराम पेशा लोग थे जो मुझे वकील करने के लिए आते थे। तो कई एक इंसान की मुख्तलिफ अनवा से मेरी कांटेक्ट रही है जी, और ज़िंदगी का एक मुशाहदा और तजुर्बा ऐसी वजह से काफ़ी वसी रहा है, जिसका अंदाज़ा आप मेरी ऑटोबायोग्राफी से लगा रख सकेंगे, जिसकी मैंने 10 वॉल्यूम्स प्लान कर रखी हैं, 4 अब तक लिख सका जी। इंशाल्लाह लिखेंगे सर। सर वकालत आपका पेशा रही है और आपने सैकड़ों मुकदमात पैरव की होगी, और यकीनन कामयाबी भी होती है, नाकामी भी होती है, तो वो सारी चीज़ें एक शायर पे, उसकी तख्लीक पे कितना असर करती हैं? शायरी के साथ तो वकालत का कोई वास्ता नहीं था। मैं एक स्प्लिट पर्सनालिटी रहा हूँ। जब अदालत में हुआ करता था तो भूल जाता था कि मैं शायर हूँ, जब अदालत से बाहर हुआ करता था तो भूल जाता था कि मैं वकील हूँ। तो इसी तरह ये दोनों बातों से मेरी निपसती, शायरी से भी और वकालत से भी। लेकिन इसी दौर में मैंने ये समझा कि बाकी ज़िंदगी वकालत में ज़ाया न करूं। लोगों वकला को ब्रीफ जो होते हैं अपने साथ हुआ करते हैं, कोर्ट में गिर जाते हैं हार्ट अटैक के साथ, और सारा मामला ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मौत कैलेंडर देख के नहीं आता, कोई अपॉइंटमेंट रख के नहीं आता जी। इसी वजह से मैंने सोचा कि शायरी में पैसा नहीं है, पैसे में शायरी नहीं, वाह, तो मैं गोशा गुजार हो नशीन हो गया। और मेरा जो नस्ब लैन था और मकसद हयात था, उसको अपने मंतकी नतीजे पे पहुँचाने मैं बाकी उम्र सिर्फ करना चाहता। आपकी शायरी में मुख्तलिफ रुझान जो है वो अपने अपने अदवार की अक्का से सर, आपकी शायरी में मुख्तलिफ रुझानात अपने अपने अदवार की अक्कासी करते हैं, तो आप खुद को कितना कामयाब समझते हैं किसी दौर के मुनक्किस? एक शायर आदीब जो है वो अपने माहौल की अक्कासी तो करता है जी, लेकिन उसकी शायरी अदब में अगर कोई पेरिनल वैल्यूज़ नहीं है तो वो उस दौर के साथ ख़त्म हो जाती है।
शेक्सपियर अगर फकत एलिजाबेथन लंदन के मुतालिक लिखता है या उसे उसका बैकग्राउंड करता तो उसके सारे ड्रामे जो हैं वो एक एम्पीरियल कैंपेन की नज़र आते तरह नज़र आते जी। उसने पेरिनल वैल्यूज़ जो दिए हैं जो एक अबदी हकीकतों का बयान किया है वो उन को पायदारी है, बाकी चीज़ें तो दुनिया की नापायदार है। मैं हिंदुस्तान में साहित्य एकेडमी में गया तो मैंने उन्हें कहा कि भाई देवनागरी स्क्रिप्ट तो मैं नहीं जानता, आप उर्दू स्क्रिप्ट में जो किताबें छापी हैं वो आप दिखाएं। उन्होंने मुझे चकबस्त की एक मजमूए कलाम दिया, चकबस्त हिंदुस्तान का उर्दू में सबसे बड़ा कौम परस्त शायर था और कांग्रेस के साथ वाबस्ता था जी। तो जब मैंने वो किताब ली तो मेरे दोस्त ने बताया कि 10,000 इसकी कापियाँ छपी हैं, आप 10वें आदमी हैं जो ये किताब खरीद कर रहे हैं। इसी तरह आगा जफर अली खान मुस्लिम लीग का शायर था। अब मैं एक मरतबा हैदराबाद में फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में बैठा हुआ था, जब ट्रेन में देर हो गई तो मैं बोर होकर बाहर निकल के बुक स्टॉल पर देखने लगा तो मुझे 3 वॉल्यूम्स नज़र आई जिन पर बहुत मक्खियाँ बैठी हुई थी। और मैंने उससे पूछा कि भाई इस किताब की हालत क्यों हो गई, आगे जाके और मैंने गौर से देखा तो उसका नाम वो आगा जफर अली खान का मजमू कलाम था जी, 3 वॉल्यूम्स जी जफर अली खान का। तो मैंने उससे पूछा कि ये इसकी हालत क्यों है इस किताब की इस तरह। उसने कहा कि भाई 4 साल से कोई एक वॉल्यूम नहीं खरीद कर रहा, आप ले जाना चाहें तो 1/4 में आपको दे देंगे। तो उनकी कमिटमेंट मुस्लिम लीग के साथ थी जी। अच्छा, मुस्लिम लीग ज़्यादातर तकसीम के बाद वो बेमानी हो गए, जिस तरह जगबस जो है हिंदुस्तान में बेमानी हो गई। तो ये माहौल की अक्कासी, शायर की कमिटमेंट, ये आदि चीज़ें हैं। जब तक कि वो एक मुस्तकिल अकदार को प्रोजेक्ट नहीं करता अपनी शायरी में। आपकी शायरी में सियासत भी है, इंकलाब भी है, रोमांटिसिज्म भी है, तो आपको अपना कौन सा एंगल ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है? नहीं, पावरफुल तो अभी जो ऐसे जो अभी शायरी कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अद्वार तो मुख्तलिफ हुआ करते हैं ना शायरी में। आप देखें अलामा इकबाल का बांग दरा जो है उसमें मेरा वतन वही है, नायाश वाला, हिमाला, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, मार्क्स के मतलब लिखा है नेस्त पैगंबर वाले अंदर बगल दारत किताब। अब इस किस्म की मेरा वतन वही है ऐसी शायरी भी अभी बांगे दरा में है, जब जो न्यू एडिशन छप रही हैं जी। उसके बाद तो उसके नज़रियात उसके ख्यालात जो हैं वो बिल्कुल बदल गए। जिस शख्स ने लिखा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसने लिखा कि मुस्लिम है हम एक मुस्लिम है हम वतन है सारा जहाँ हमारा। तो इस तरह ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार होते हैं जिसमें शुरा के ख्यालात भी बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ जो पायंद है वो कुछ वैल्यूज़ हैं, अगर उनको इजहार ख्याल में लाए शायर तो उसकी शायरी को पायंदगी बन सकती है। उम्र के गुजरने के साथ साथ कौन कौन से शौक़ आपके हाथ नहीं? लिखने पढ़ने का मेरा कोई शौक़ नहीं। पहले मैं घूमता था, काफ़ी घूमता था, सैर सफ़र करता था, तैरता था, लेकिन अब और कोई शौक़ नहीं मेरा। कभी कभार मैं कैसेट सुनता हूँ, अमीर खुसरो के सुने, गालिब के सुने, अगर अच्छे गाए हुए होते हैं। और मेरी भतीजियाँ चलाती जे नवासियाँ चलाती रहती हैं जी, उनके डेक पर अब नई नस्ल जो है उससे काफ़ी मुतासर है और वो उनका मरहूब मशगला है जी। तो वो मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन खुद मैं जब सुनता हूँ तो या तो क्लासिकी मौसीकी होती है
क्लासिकी मौसीक से मेरा काफ़ी लगाव है, और कभी क्लासिकल पोइट्री जो है मुझे आवाज़ मेरे लिए इतनी मानी नहीं रखता जब तक के बोल उसके जो मीनिंगफुल ना हो। अब इकबाल बानू ने जो अमीर खुसरू को गाया है मुझे बहुत पसंद है, इसी तरह वो गालिब की पिक्चर में वो मियाँ और बीवी जो थे चतरा और जगदीश, उन्होंने गालिब बहुत को गालिब बहुत खूब गाया, ये मैं बार बार सुनता रहता हूँ। ऐसी कई एक रिकॉर्ड कैसेट हैं मेरे पास, कम से कम कोई 200 कैसेट का जखीरा होगा, तो वो देखता रहता हूँ। वीडियो कैसेट हैं कुछ, लेकिन वो आर्ट के मुतालिक जो हैं ये नई वीडियो कैसेट जो हैं वो मुझे पसंद नहीं आती। और मुझे वान गोग की ज़िंदगी पे जो कैसेट है मैंने 10 मरतबा चलाई है, माइकल एंजेलो की ज़िंदगी पे जो कैसेट है मैंने 10 मरतबा चलाई है, लेकिन इसका शौक अब आर्ट फिल्म फिल्म्स का कम होता जा रहा है। लेकिन मैं मुझे वो पुरानी चीज़ें पसंद हैं। अब इसमें मेरी उम्र का की वजह हो या जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो वैसे ही प्यारी होती हैं, तो वो मुझे काफ़ी पसंद हैं। बाकी ये नई कैसेट वगैरह मैं नहीं देखता, कभी कभार कोई आर्ट कैसेट आती है, वरना मार्केट में आपको ऐसी नहीं आर्ट फिल्म नहीं मिलती। सर, आपको अपनी शायरी की आवाज़ अच्छी लगती है? अच्छा, जो है अपनी शायरी किन आवाज़ में अच्छी लगती है? बेदिल साहब ने गाया था मुझे उस वक्त जिस वक्त मेरी शायरी में इनकलाबी रंग था, इस वक्त सादिक फकीर जो मुझे गा रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी तो और कई एक गाने वालियों ने गाया है, लेकिन वो चीज़ नहीं पैदा कर सके जो पाल रॉबसन के आवाज़ में हुआ करती थी, जो आसमान को जाकर छूती थी। ये सादिक फकीर में ही एक ही शख्स में मैंने देखी जी। ये वाहिद शख्स है जो अपनी धुन को जिसको मेरी रूह तक रसाई है और अपनी धुन में उसे पेश कर सकता है। जिंदगी में कोई ऐसा खेल है जिससे आपको रुतबत हुई हो? नहीं, कोई भी नहीं। मैं जब छोटा था तभी भी मेरा मरहूम माशाल्लाह पढ़ना लिखना था, बच्चों के साथ तो उस वक्त जब कम उम्री थी तो कुछ खेल खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे या वॉलीबॉल खेला करते थे अपने स्कूल में, लेकिन तो उसके बाद मैंने कोई इसमें दिलचस्पी नहीं मिल रही। तो आप शायर कैसे बने? मैं तो पैदाइशी शायर हूँ। मैंने पहली नज़्म जो है वो उस वक्त देखी थी जब पहली क्लास में पढ़ता था, मेरा उस्ताद जो है खेलदास पानी में उसके पास जब ले गया तो वो हैरान हो गया कि तुमने लिखी है, मेरे कदोकामत को देखने लगा। सर, आप शायर फिर कैसे बने? भाई मैंने कहा कैसे बने का तो सवाल नहीं होता, मुझ पे शायरी अलाम की तरह आती। मैं चार मुसलसल मुझे हार्ट अटैक्स हुई, उनके बीच में जो वक्फा था उस वक्त भी अपने बिस्तर पे लेटा हुआ होता था तो मैं लिखता रहता था। हॉस्पिटल में प्रिस्क्रिप्शन चार्ज जो है कागज़ नहीं हुआ करता था तो वो उतार के उन पर लिखता था, वो मेरे पास महफूज हैं अभी तक। जब छोटा था मैं तो हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी थी, क्योंकि मेरे वालिद ने वालिद बुजुर्गान ने ये मुझे उर्दू से बचपन में आसना किया था, वो तो जहाँ का आदमी थे, हैदराबाद दक्कन गए थे, लखनऊ गए थे, दिल्ली गए थे, इलाहाबाद गए थे,
वहाँ से कई एक ला रिपोर्टर वगैरह और शेर व अदब की किताबें ले आए थे, और वो फारसी के बहुत माहिर थे, और दीवान हाफिज तो सुबह को पढ़ा करते थे 5 बजे उठ के। अब उसका दीवान हाफिज मानी के साथ मेरे पास अभी तक एक ही किताब वायद रह गई है, और रुबाइयात उमर खय्याम हमारे घर में हुआ करती थी। तो जब मैं 4th क्लास में था सिंधी के, तो उन्होंने मौलवी अब्दुल गफूर के पास शिकारपुर में एक मौलवी हुआ करते थे, उन्हें कहा कि इन्हें फारसी पढ़ा। तो मैं यूसुफ सुलेखा जो है वो 1st क्लास तक ख़त्म कर चुका था। तो इस तरह एक माहौल जो था वो शायराना था। मेरी माँ जो थी उसे लोक कहानियाँ और मिस सवली जैनसन पे काफ़ी अबूर था, वो मुझे बार बार सुनाती थी। तो शुरू से ही जब मैं उस लाइब्रेरी में गया तो मुझे स्वामी रामतीर्थ की किताब दो वाली उसमें डायरी, स्वामी रामतीर्थ पे अल्लामा इकबाल ने भी एक नज़्म लिखी है इसमें बांगे दरा में जी। तो उसमें काफ़ी लोगों के अशार थे, ये नदीर अकबर आबादी थे के थे, घर मर्द है तू आश कोड़ी नरक कफन को, इस किस्म के। तो उसमें से एक गज़ल से मुतासर होकर मैंने वो गज़ल लिखी जी। अब वो गज़ल शाया हुई थी जब मैं 2nd क्लास में पढ़ता था। अब बहुत दिनों के बाद अभी शिकारपुर में एक किताब शाया हुई है, तो वो ढूंढ लिया लोगों ने जी। और उसे रिप्रोड्यूस किया है। आपको याद है सर? नहीं, मुझे याद तो नहीं है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं 64 में था तो शाह लतीफ़ को का हर लफ्ज़ साहिवाल जेल में मैंने मार्क करके और पढ़ा था हर लाइन। उसके बाद मैंने शाह लतीफ़ को नहीं पढ़ा, इस वजह से नहीं पढ़ा कि तब मेरे तहतुल शहर शऊर से शाह लतीफ़ उभर आता था। अगर मुझे अपने आप को अपनाना था तो मुझे शाह लतीफ़ को भूल जाना चाहिए, और शाह लतीफ़ को मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। साल 64 में मैंने पढ़ा था, उसके बाद दोबारा मुझे, मैं अपना कलाम भी नहीं पढ़ता। मेरी इस वक्त तक कोई 32 के करीब किताबें शाया हो चुकी हैं, जिसमें 20-25 के करीब शायरी की होंगी जी। मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि रिपीट ना करूं। अब इसके मुतालिक वो मुझे पिकासो की एक खूबसूरत एक लतीफ़ा याद है कि वो कैनवास पे खड़ा था, पेंट कर रहा था कि एक अमेरिकन आर्ट डीलर उसके पास आया, उसे कहा कि भाई ये $5,00,000 में मैंने आपकी पेंटिंग ली है, आप देखें कि ये जाली है या रियल पेंटिंग है या फेक है। उसने एक नज़र डाल के कहा कि नहीं ये फेक है, मत खरीद करो। फिर दोबारा आया अमेरिका से, कहा कि भाई ये तो $10,00,000 में मैंने ली है, इसको देखें आप। उसने कहा कि एक नज़र देख के कहा कि नहीं ये भी फेक है, इसको मत ले। तीसरी मरतबा आया तो वही जवाब उसने दिया, तो वो बहुत गुस्से हो गया कि क्या आप फेक पेंटिंग्स बेचते हैं, ये तो मैंने आपसे ली है। तो पिकासो ने जवाब दिया कि हाँ मैं फेक पेंटिंग्स बनाता हूँ, जब ओरिजिनल इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाता है तो वही बात रिपीट करता रहता हूँ। वाह वाह। तो इसी वजह से मैंने जितनी अपनी किताबें हैं वो भी दोबारा नहीं पढ़ी। एक मरतबा जब छपके आती हैं तो मैं पढ़ के फिर रख देता। अब ये जो है ना जी, जहाँ टेप लगी हुई है जी, इसके अंदर पूरी मेरी किताबें हैं भरी हुई हैं, इस वजह से ही मैं टेप लगा दी कि इनको दोबारा नहीं पढ़ना। आपने अपनी शायरी के हवाले से कई मरतबा कैदोबंद की सहूबतें भी बर्दाश्त की हैं, आप जेल भी गए हैं, और मगर आपके इजहार ख्याल में हमें वो इतनी शिद्दत नज़र नहीं आती जो एक बड़ा शायर इजहार कर सकते हैं। शिद्दत है भी, और मैं तो कहूँगा कि शिद्दत नहीं होनी चाहिए। आप शाह लतीफ़ के ज़माने में मदद खान ने हमला किया था, लाखों लोग मारे गए थे, पोर्चुगीज़ों ने छट्टे को आग लगाई थी, कई एक मकान
जल गए थे और आदमी मारे गए थे, लेकिन आप उसकी पोइट्री में देखेंगे कि वो अजियत जो थी उस दौर की, वो उसकी रूह में एक अंडरग्राउंड वाटर की तरह चली गई और कभी चश्मे की तरह फूट निकलती थी। तो वो कई एक लाइन्स उसकी हैं, पाड़े ना है पर उड़ तका रात रंजाए गुजरी, या रही अच जे रातड़ी रातड़ी तें वाठोड़न वटा, जिनके सूर शरीर में घट मझारा गा। तो ये एक स्ट्रेट किस्म की कोई ऐसी शिद्दत पसंदी इसमें नहीं है, एक अजियतनाक माहौल जो शायर पे असर करता है उसका इजहार है। और अगर शायर उस अपने माहौल के साथ टक्कर खाने के बावजूद अपने ज़मीर से मुतमैन है और अतमीनान से ज़िंदगी जी रहा है, तो उसमें शिद्दत पसंदी की ज़रूरत नहीं है कोई। सर उस ज़माने की क्या क्या यादें हैं आपकी, कैदोबंद की कोई यादें नहीं आते हैं? कैदोबंद की कई यादें हैं। अब साहिवाल जेल में मैं था तो एक वार्ड अकेला आदमी मैं हुआ करता था वार्ड में, दूसरे वार्ड में जुल्फकार अली भुट्टो हुआ करते थे। तो एक मतलब वो संतरी जो आता था वो अंदर से दर लाख करके और मुझ पे पहरा देता था। एक बार तब मैंने देखा कि वो जैतून का तेल अपने घुटनों को मालिश कर रहा है। मैंने कहा कि भाई ये तो काफ़ी कीमती है, ये क्यों लगाते हो? उसने कहा कि साईं मैं बस से आ रहा था लाहौर से, और मुल्तान में एक एक्सीडेंट हो गया और मैं मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है क्यूर के बाद के जैतून का तेल लगाऊं। तो मुझे ख्याल ये आया कि इससे तो मैं खुश हूँ, मैं घूम फिर तो सकता हूँ वार्ड में, जेल में तो ये भी मेरे साथ है, अंदर से ताला लगा देता है, मैं खुश हूँ। तो ऐसे कई एक वाकात मेरी ज़िंदगी में आए, लोगों के साथ जो हादसा पेश आए। अब एक मरतबा मैं वादिय स्वात जा रहा था और मुझे तो लेक सैफुल मलूक तक जाना था, मेरी बेगम मेरे साथ थी जी। तो कर्नल रहमान हुआ करते थे पब्लिक स्कूल के एबट आहद में प्रिंसिपल, उसको मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि स्कूल में मेरी रहाइश के लिए जो कमरा है उनके लिए वहाँ रहाइश का बंदोबस्त करें। मैं वहाँ ठहरा, शाम को उसके साथ चाय पी। दूसरे दिन उसने मुझे कहा कि फलान लोगों के साथ मिलना चाहोगे? मैंने कहा कि हाँ। कहा कि अच्छा आप हो के आएँ, स्वाद से मैं इंतज़ाम करके रखूँगा। वो अजहर खान के लिए कह रहे थे। तो मैं स्वाद गया। अब मेरी बीवी जो है वो ड्राइवर के पास साथ बैठना नहीं चाहती थी, वो कोने पे बैठी थी, मैं बीच में बैठा था जी। वो नीचे देखती थी तो एक डिफॉल्ट थी 11,000 फुट के करीब। तो शोग्रान में हम उतर गए, उसने कहा कि मैं आगे नहीं जाऊँगी, फिर वापस चलेंगे। जब वापस आए उसी स्कूल में आके सामान रखा तो मैंने चपरासी को कहा कि कर्नल रहमान को आप इतला दें। उन्होंने कहा कि कर्नल रहमान तो मर। मैंने कहा कि भाई क्या हुआ उसे? उसने कहा कि वो पहाड़ी से वर्जिश के लिए साइकिल पे आया करता था, एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी और वो इंतकाल कर गए। तो ये है कई एक वाकात ऐसे हैं ज़िंदगी में मेरे जो आए, जिन्होंने मेरी शायरी पे एक पाइंदा तासुर छोड़ा है। वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी से भी हैं और बैरूनी दुनिया के वाकात भी हैं जी। सिर्फ एक वक्त आता है कि एक बहुत बड़ा शायर और एक वकील एक तालीमी तारीख की सफर
सर फिर एक वक्त था कि एक बड़ा शायर एक बड़ा वकील एक तालीमी इदारे की सरबराही कबूल कर लेता है। तालीमी इदारे की सरबराही कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो शुरू से ही लिखने पढ़ने से मेरा काफ़ी लगाव था। जब मैं मेरे ज़माने में बीए के बाद डॉक्टोरेट करते थे, तो मैंने डॉक्टोरेट के टर्म्स भी रखे थे और 3 साल का कोर्स वादा करता था। अलमा इकबाल पे मैं थीसिस लिखना चाहता था, और मेरे गाइड जो थे डॉक्टर गुरबख्शानी थे, जिनका इंतकाल हो गया। ये और बात है कि मैं इकबाल के बारे में उनसे ज़्यादा जानता था जी। तो वो थीसिस मुकम्मल कर नहीं पाया मैं उनके इंतकाल की वजह से। बाकी सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि आप ये इदारा संभाल लें, क्योंकि नौजवान जो थे वो मेरी शायरी से काफ़ी मुतासर थे जी। तो इस वजह से मैं यूनिवर्सिटी में आया, वरना मुझे कोई ख़ास शौक नहीं था। आपका तजुर्बा कैसा रहा हो? अक्सर ज़्यादातर वक्त जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने में गए। मैं तो सिंध यूनिवर्सिटी को शांति निकेतन की तरह बनाना चाहता था, और मैंने पूरी लाइब्रेरी भर दी किताबों के साथ। मैं तो चाहता था कि लड़के शौक से पढ़ें और कुछ मेरी सोबत से फैज़ हासिल कर सकें। मैं खुद जाया करता था, उनके क्लासेस में बैठता था कि कैसे उनकी तालीम हो रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से मैं तो ये छोटे ग्रेड के जो मुलाजिम थे उनके भी क्वार्टर्स वगैरह देखने जाया करता था, देखता था कि उनके साथ जाम शोरों में कैसे इंतजाम किए गए हैं जी। तो ये कोई इतना मुश्किल जाम नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैं जो करना चाहता था वो इस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ना कर पाया, मेरे बस में नहीं रही लड़के। उस वक्त सियासी फ़जा कुछ ऐसी थी, मेरे मुखालफिन भी कुछ ज़्यादा थे, तो मुझे करने की पसंद नहीं थी। उन्होंने सक्कर से आप कराची आए आराम करने के लिए, और यहाँ आके आपने साहब की जिम्मेदारी संभाल ली, तो ये कुछ करने का चाह था कि उसको मसरूफ रखने की कोई कोशिश थी? मैं तो सक्कर से कराची आया था बीमार, आराम करने के लिए नहीं। मैं तो आया था कि 2 दिन के बाद तो फिर मुझे कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट में दाखिल किया गया जी। उसके बाद मैंने छोड़ना नहीं चाहा कि बाकी ज़िंदगी जो है वो लिखने पढ़ने में सिर्फ करूं। तो आप क्या फरमा रहे थे कि सहाफत से आपका निभा कैसे हुआ? निभा कैसे हुआ सहाफत से? नहीं समझा सवाल। सहाफत से कैसे निभाया? सहाफत से ये तो एक अचानक बात हो गई। मेरे पास मेरे दोस्त, पुराने दोस्त यूसुफ शाहीन, जिन्होंने मेरी किताबें 2 किताबें जो शाया कर चुका था जब मैं वाइस चांसलरशिप का टर्म पूरा किया था, तो एक तो थी पनछड़ को जाना जिसमें जदीद हैकू थे, और एक में नसरी नज़में थी पतन को पूरा करें। अब ये मेरा पड़ोसी भी था गुलशन इकबाल में किसी वक्त, और दोस्त भी था, और काफ़ी वक्त साथ गुजारते थे। तो वो मेरे पास आया, उसने कहा कि आया साहब, और मैंने बसात डेली निकालने का इरादा किया है, और मैं चाहता हूँ कि इदारा आप संभाल लें, और मैं नहीं उठूँगा यहाँ से जब तक आप हाँ नहीं। तो इस तरह उनके इसरार पर, वरना मेरा सहाफत से बचपन में वास्ता था। जब हम 2 मरतबा तो मैंने की, जब एक तो 3री क्लास में था तो एक मैगज़ीन हमने 2-3 दोस्तों ने निकाली, वो लिटरेरी थी। फिर जब मैं बीए पढ़ा करता, एलएलबी पढ़ता था, मैं 18 हॉस्टल में रहता था,
फिर कुछ दोस्तों के इश्तराक के साथ एक वीकली निकाली सोशलिस्ट, उसके कुछ पर्चे निकले, लेकिन क्योंकि हमारे पास फाइनेंस इतनी नहीं थी तो ज़्यादा नहीं निकाल सके। और कई एक रसायल जो हैं मैंने उनको तरतीब दी है और एडिट भी किए हैं, शक्कर में किए, हैदराबाद में किए, बाकी और मेरा साहब डेली जो है एक निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। मैं तो एक डे टू डे इवेंट से इतना इतनी तवज्जो नहीं दिया करता। अब इंटरनेशनल अफेयर्स जो थे उनके साथ मेरी दिलचस्पी थी, दुनिया में जो वाकात हुए थे होते थे उन पे ज़्यादातर एडिटोरियल मैंने लिखे। अपने वतन में जो हुए जिस पे लिखने चाहिए थे और जिनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी उस पे मेरे पास लाइब्रेरी नहीं थी। एक प्रेस में कंप्लीट रेफरेंस बुक्स होते हैं, अब यूसुफ शाहीन के पास वो कंप्लीट रेफरेंस बुक्स नहीं थे जैसे डान में होते, तो इसलिए मुझे मुश्किल लगती सहाफत। जब तक एक कंप्लीट ग्रिप ना हो आदमी को सब्जेक्ट पे तब तक मैं लिखना नहीं चाहता। तो नेशनल अफेयर्स पे जितना रिकॉर्ड होना चाहिए था वो सहाफत में नहीं था। सर यही दौर था जब एक मुजीब होने के नाते आपकी तहरीर में थोड़ी नाराज़गी नजर आई वहाँ, तो एक अवामी शायर जो है वो कितना अपनी नाराज़गी व्यक्त करता है? भाई अवामी शायर तो एक कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है, शायर अवामी कैसे हो सकता है? ज़िंदगी का रियाज उसमें शामिल है, उसको समझने के लिए ही काफ़ी टाइम लग जाता है आदमी को, हर अवाम कैसे समझेगा? मैंने तो अवाम को कवाम समझा है सारी ज़िंदगी, उनको तो फीड करना पड़ता है। बाकी मैं अवामी शायर शुरू से नहीं था, एक दौर में ये और बात है कि जब एंटी वनोट तारीख जहाँ सिंध में थी जी और सिंध की शनाख्त हम बरकरार रखना चाहते थे, तो मैंने एक शायर की हैसियत में एक रोल परफॉर्म किया जिसे आप अवामी शायर कहें या अवाम के लिए शायरी कहें, अवामी शायर तो मैं नहीं था, एक अवाम के लिए शायरी थी उनको वन्यूट के खिलाफ मतदा करने के लिए। इसी यह तो सहाफत वाले दौरान दौर में हाँ फिर महारत तो एक तो मेरी बीमारी थी, चार मरतबा उस वक्त मुझे हार्ट अटैक हो चुकी थी, दो मरतबा बाद में हुई है लेकिन इनसे पहले चार मरतबा हो चुकी थी, और मौत से करीब आने के बाद आदमी के कुछ हालात में तब्दीली आ जाती है। उसमें ऐसी कोई दुआ नहीं है जो किसी के ख़िलाफ़ हो जी। उसमें उनमें कोई तसुब नहीं है और वो पूरे जहान के लिए जैसे लिखी गई हो, हर कौम के लिए, हर मज़हब के लिए, हर पूरी इंसान ज़ात के लिए लिखी गई है। और जहाँ इस सदी, क्योंकि यह सदी जो है वो एक इसमें सबसे ज़्यादा खून रजी हुई है, सबसे ज़्यादा अजियत पसंदी रही है। आप देखें ये नागासाकी और हिरोशिमा, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, उसके बाद कई एक जंगें जो लगी हैं जिसमें इंसान की बर्बरियत और दरंदगी जो सामने आँखों के आई है, तो उन्होंने मुझे कुछ झटका दिया और मेरा रुझान जो है वो मज़हब की तरह हुआ। दूसरी बात यह कि पेरिस्ट्रा का जब गोरबचोव ने किताब लिखी तो मैंने अमेरिका से मंगा के वो पढ़ी, मैं हैरान रह गया कि हेड ऑफ स्टेट ही मान रहा था कि इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट ही हमारा फेल हुआ, स्टेटिस्टिक्स जितने दिए गए हैं वो ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स ने गलत दिए। तो जब इस बुनियादी फलसफे में ही जो जदलियाती मादियत था मेरा कोई एतबार नहीं रहा, तो
तो कोई चीज़ तो दिल को ढारस बनाने के लिए ज़रूरी थी जी, और वो मज़हब की तरफ रुझान था। मैं बिल्कुल सादा इंसान हूँ, मुझ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब वो तो जवानी के दौर की बातें हैं जी। शिद्दत पसंद जब हुई, अब तो उम्र ने और बीमारी ने कुछ कमज़ोर कर रखा है, तो वो शिद्दत पसंद तो मुझ में नहीं रही जी। मैं छोटे बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरे पोते हैं पोतियाँ हैं काफ़ी, नवासियाँ हैं, और घर पर बैठा रहता हूँ बस, और शिद्दत पसंद तो कोई नहीं। आपकी ज़िंदगी में कुछ रिग्रेट्स हैं? रिग्रेट्स अपने लिए कोई नहीं? रिग्रेट तो नहीं, मुझे अगर दोबारा ज़िंदगी दी जाए तो मैं वैसे ही उसे बसाता हूँ। सर आपके अंदर में तनाइयाँ होती हैं? तनाइयाँ तो हैं, वो मैंने आपको तनाइयाँ तो हर शायर की ज़िंदगी में हुआ करती हैं। वो गालिब भी कहता था कि आप हैं आदमी बजाए खुद एक मशर ख्याल, हम आजमन समझते हैं समझते हैं खिलवती जुम्मन हो। तो खिलवत एक आजमन रहती है, माजी की यादें आती हैं, और कई एक इंसान उसके जो नस्कुलैन हैं उनके तलाश में काफ़ी वक्त बसर होता है, तो मैं तनहा ऐसे महसूस नहीं करता, मैं अपनी ज़ात में एक अंजुमन, कभी कभार कोई याद होता निकलता है उसके साथ मुलाकात हो जाती है, बाकी मेरे पास कम लोग आते हैं जितोनिक गत में अपने को अकेला नहीं पाता। मुझे ये मैंने कहीं लिखा था कि तुम मेरे साथ, कहीं पढ़ा था कि तुम मेरे साथ हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो मेरी याद जो है मेरे साथ है, उसकी 10 वॉल्यूम्स में लिखना चाहता हूँ, चाह तो लिख चुका हूँ, अब उसमें मेरा टाइम जो है काफ़ी खुश और महसूस हो जाता है। सर कोई ऐसी कमज़ोरी जो शुरू दिन से आपके साथ रही हो और आपकी सारी उम्र उस पर कभी हावी नहीं पाया हो, ऐसी कोई कमज़ोरी है आपकी? बल ऐसी अगर कोई कमज़ोरी है तो हर शायर की कमज़ोरी है, और वो हुस्न परस्ती है। वाह, कोई ऐसी आपकी कमी जो आज तक पूरी नहीं हुई हो? नहीं, खुदा का फ़ज़ल करम से ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी को गौर से देखा जाए तो उसमें बहुत सारा इज़्तिराब है, आप बहुत मुस्तरक रहते हैं, तो क्या एक शायर मुस्तरक रहता है या एक बुजुर्ग मुस्तरक रहता है? अब शायर में मुसलसल इज़्तिराब रहता है जो उसके तकलीफ का बायस है। आप अलामा इकबाल में तो देखेंगे कि इज़्तिराब पे कई एक नज़्म कही जी, और वो दरिया पे चढ़ते हुए सूरज की तरह जब जैसे चमकते हैं, टैगोर की शायरी में देखेंगे वो इज़्तिराब नहीं है, और वो पानी पे शफक की तरह गंगा पे लहराती हुई जाती है। वाह, तो लेकिन एक बेचैनी एक तो इज़्तिराब रूह पे मुसलसल छाई रहती है, और मैं तो नींद से जाग के नींद में भी लिखता हूँ। मेरे बिस्तर पे एक नोटबुक और एक कलम रखा रहता है बाल पैन पे, जब मुझे जाग होती है तो मैं अशार कैसे आते हैं ये मैं नहीं जानता,
जैसे परंदों की तरह आ रहे हों और मेरे कफस में खुद आके फंसते हों। और मैं वो नोट करके मैं बत्ती भी नहीं जलाता। तो कभी ये होता है कि मैं अगर पेन की उल्टी साइड से मैं लिख के जाता हूँ, तो मेरा एक दोस्त था काजी मंजर जो कातिब था बहुत अच्छा, तो वो उसे चाक से भर के फिर कंप्लीट कर लेता। वाह। तो इस तरह कई एक मेरे नोटबुक हैं जो मैंने प्रिजर्व करके लिखे हैं, रखे हैं, जिन पे मैंने मुसलसल लिखा है और मेरी स्पीड बहुत है। ये एक ज़िंदगी बहुत एक मुख्तसर है, उसके इख्तसार का जितना मुझे एहसास है शायद ही किसी शायर का हो। कभी भी ये ड्रामा ख़त्म हो सकता है। तो इंसान को जो अचीव करना हो वो इसी दौर में कर ले। और मुझे, मेरे लिए शायरी मेरी इबादत रही है। जैसे इबादत इंसान की रूह को तस्कीन देती है, उसे मुझे शायरी तस्कीन देती है। उसके बगैर मुझे कोई आराम नहीं आता, कोई चैन से बैठना नहीं आता। सारा वक्त मैं लिखता रहता हूँ, कभी तो दिन रात लिखता रहता था। और अभी मैं रात को इतना ज़्यादा नहीं लिख सकता, लेकिन गुज़श्ता 5 साल में मैंने, आप अंदाज़ा लगाएं इसका, कि मैंने 20 किताबें लिखी हैं जो मैंने गुज़श्ता ज़िंदगी में इतनी किताबें नहीं लिखी। तो ये एक भरपूर ज़िंदगी का एहसास मुझे देती है। और उसमें कई एक सवाल हैं जो इंसान के अबदी सवाल हैं, वो मेरे रूह को मुस्तरब रखते हैं। यही कि इंसान क्या है, यहाँ भेजा गया है या एक महज इत्तेफाक है, इससे पहले कोई ज़िंदगी थी या नहीं थी, इसके बाद क्या होगा, कोई और ज़िंदगी है या नहीं है, या इंसान फकत मिट्टी कब्र का लुकमा बन के रह जाता है। रूह क्या है, खुदा क्या है, एक फानी इंसान खुदा से रब्ता रख सकता है, नहीं रख सकता है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं इस उम्र में मुझे ज़्यादा आपसे रखती हैं। अब लोग कहेंगे कि मैं ज़िंदगी से कट गया हूँ। आखिर एक तो वक्त आता है कि आदमी ज़िंदगी से रिटायर हो जाता है, और ये बाकी चीज़ें जो हैं दुनिया की बहुत बेमानी सी लगने लगती हैं। ये नहीं कि मैं गाफिल हूँ कि बाहर क्या हो रहा है, मैं जानता हूँ, अखबारात पढ़ता हूँ, रसायल पढ़ता हूँ, जदीद से जदीद तरीन किताबें देखता हूँ और इस दुनिया के मुस्तकबिल पे सोचता रहता हूँ। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि क्या तीसरी जंग अजीम लगेगी, उसने कहा कि भाई मुझे तीसरी का तो पता नहीं, चौथी के लिए कहें तो मैं आपको बताऊं। वो हैरान रह गया कि जिसे तीसरी के लिए पता नहीं है तो चौथी क्या बात क्या के मुतालिक क्या बताएगा। जब उससे पूछा कि अच्छा चौथी के मुतालिक बताएं, तो वो खामोश रह गया। और दरअसल जैसे वो कह रहा हो कि जब तीसरी जंग अजीम लगेगी तो कोई इंसान ही नहीं रहेगा, चौथी कैसे लगेगी। वाह। तो इस तरह जो आलम में वाकात होते रहते हैं मेरे अपनी अंदरूनी दुनिया में, तो ये ख्याल आते हैं जो तलका मचाते रहते हैं और मुझे मुस्तरब रखते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया के असरात भी मुझ पर मुसलसल पूरी इंसान ज़ात के मुस्तकबिल के साथ मेरी दिलचस्पी वही है जो पहले थी। और पूरे आलम में क्या हो रहा है उससे मैं बाखबर हूँ, नाइश्ता नहीं हूँ, हालांकि मैं अपने कमरे में गोशा नशीन हूँ।
लेकिन फकत यह है कि मेरी वाबस्तगी बदल गई है। मुझे डॉक्टर जिवागो में पढ़ रहा था पास्टरनक का, जिस पर उसे नोबेल प्राइज मिली थी, तो उसमें दो लाइंस मैंने रेड पेंसिल से अंडरलाइन कर दी। उन्होंने वहाँ लिखा था कि हमने लिया हुस्न, हमने लिया इश्क, हमने लिया ली मौत, हमने ली जिंदगी, हमने लिया अजल, हमने लिया अबद, ताकि ये दुनिया बदलने के ख्वाब जो हैं वो छोटे आदमियों के लिए। वाह, तो ये दुनिया के बदलने के ख्वाब नहीं रहे मेरे पास, दुनिया को समझने और इस दुनिया के से आगे या जिंदगी से आगे क्या है, इस पे सोचने में काफ़ी मैं मसरूफ रहता हूँ। उसके मतलब लिखता भी हूँ। सर आप इतना ज़्यादा लिखते हैं तो उसको प्रिपेयर कौन करता है? मैं लिखना लिखता भी मैं हूँ, प्रिपेयर भी मैं करता हूँ। मेरे पास और कोई सिंडिकेट होनी चाहिए पूरी। जी जी सर। लेकिन मजबूरी है, कोई मेरे पास और जरिया नहीं है। आपने सिंधी जबान में नस्ल निगारी भी की, सफेद वैशी, कापड़ी, इस किस्म की चीज़ें? नहीं, उसके बाद मैंने तो 10 वॉल्यूम्स प्लान किए हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी की, जिसमें 2 छप चुकी हैं, 3 छपने के करीब है और नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी, और 4 वॉल्यूम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ जो प्रेस में नहीं गई। फिर भी आपने नज़्म को ज़्यादा टाइम दिया है? नज़्म को पहले ज़्यादा टाइम दिया था, लेकिन अब तो मैं नसरी नज़्म लिख रहा हूँ। 2-3 किताबें जो हैं नज़्म की मेरी गैर मतबूआ हैं, वो मेरे पास पड़ी हैं, वो दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं नसर लिखता हूँ। और मेरी नसर जो है वो आप अगर पढ़ के देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि नज़्म के सड़क पे है। उस नस्ल में भी नज्म की एक कैफियत। सर आपने इतना ज़्यादा लिखा है तो आपको पढ़ने के लिए भी एक उम्र चाहिए, तो आपने खुद भी बहुत सारा वक्त इसमें लिखने में खर्च किया होगा, तो अपने जो दोस्त हैं, आपके जो कंपेनियंस हैं, आपकी फैमिली है, उसको आपने कितना टाइम दिया? अब मेरी वाइफ जो है वो इस पर आदी हो गई हैं, वो जानती हैं कि मैं पूरा वक्त लिखने पढ़ने में बसर करता हूँ। बसूरत मैं उन्हें इंग्लैंड ले गया था, वादी स्वाद तक ले गया था, हिंदुस्तान ले गया था, अपने साथ उनको कंपनी देता हूँ और साथ ले जाता हूँ। वो भी बच्चों में खुश रहती हैं और उनमें एक भरपूर जिंदगी गुजारती हैं। अब ये जानती हैं कि मैं एक शहर आदमी हूँ, मेरी अपनी बेगरीद है, तो इस पे वो राजी बरदा हो गई। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के 5 बेहतरीन अदीबों के नाम रियाज़ किया जाए तो हाँ, मैं तो ये पूरी दुनिया की कैनवास मेरे सामने है ना। एक तो काजान जाकस होगा जो यूनानी शायर था और नावलिस्ट था, बदरी नावलिस्ट था। दोस्तों उसकी होगा जो रूसी नावलिस्ट था और शायद उसको राइटर था। टॉलस्टॉय होगा जो वार एंड पीस और रैना कारिना वगैरह का मुसन्निफ था। 3 और एक अदीब था जिसने एक ही किताब लिखी थी पर अपनी ज़िंदगी में, डॉक्टर था, उसने वो तजुर्बात लिखे थे जो उसके मौत की के करीब जाने में उन्हें हासिल हुए थे। जी, वो था एक्सल बुन थे जिसने स्टोरी ऑफ सेंट माइकल लिखी थी। तो वो अदीब मुझे बहुत पसंद था, लेकिन उसने बहुत कम लिखा है। वो किताब जो है इट वॉज अ मार्वेलस बुक। और ये रशियन जो वैसे लिटरेचर थी इनकलाब से पहले, वो दुनिया की बेहतरीन लिटरेचर रही है। लेकिन फिर ये हेमिंगवे, उनके नावल जो हैं, समरसेट माम उनकी शार्ट स्टोरीज और नावल जो हैं, ये मैंने काफ़ी दिलचस्पी से इनका मुतालिया किया है।
फ्रांस के कई राइटर मैंने पढ़े हैं, जर्मनी के पढ़े हैं, अतालवी पढ़े हैं। अब अतालवी पोइट जो है लियोपार्डी, उसका मुझ पर काफ़ी असर हुआ। स्पेनिश पोइट लोरका जो है उसका मुझ पर काफ़ी असर हुआ, उसकी पोइट्री तो बहुत मुझे पसंद आई। अपना फैज जो था उसमें भी शायरी में गनाई कैफियत थी। ये और बात है कि उन्होंने जो वो जो समाज में तब्दीली देखना चाहता था वो देख ना पाया और उसके आने का भी कोई इम्कान नहीं। सर नौजवानों में कोई ऐसे नाम हैं जिनको आप महसूस करते हैं कि आपको फॉलो करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि जितने भी नौजवान हैं शायर वो वही दोहरा रहे हैं जो मैंने लिखा है पहले। आप ऑटोग्राफ बुक्स में क्या लिखते हैं? क्या लिखता हूँ, कोई शेर लिख के देता हूँ किसी को, किसी को दुआ करता हूँ, बस। अच्छा हम ही थक गए दास्तां सुनते सुनते। मैं पूरी खुद एतमादी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इतनी शायरी लिखी है कि दुनिया के किसी शायर ने नहीं लिखा। आप देख लें जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं ओहमर से लेके आज तक, ये कहते हैं लोग बेदिल के 5 लाख अशार थे लेकिन उसके मिलती तो एक छोटी सी दीवान है जैसे हाफिज की। लेकिन मैंने तकरीबन कोई 25 से ज़्यादा किताबें पोइट्री की लिखी हैं, तो उसमें से लेटेस्ट जो आई है उसमें से आपको सिंधी में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें ये वाई है, हुन जी सुणी धीअड़ी जड़ी उमाड़ी, हुन जी सुणी धीअड़ी जड़ी उमाड़ी गाॾीअ में लाड़ी, हुन जी प्यारी जोड़ी रिमझिम में वाड़ी, हुन जी प्यारी जोड़ी रिमझिम में वाड़ी गाॾीअ में लाड़ी, काल वॾेरे जा पई ताड़ रखी ताड़ी गाॾीअ में वाड़ी, शाल न झुरे झूपड़ी बन पवे माड़ी गाॾीअ में वाड़ी। अच्छा 4 लाइन्स वाले दोहे सारी रात असां जागूं था जूंझकड़े हथ लॻे, विरहण जीअं का कारे उब में तारा तके तॻे, छा छा पुट ते रहिजी वियो आहे केरु निभाए अॻे, हाल त अचिणो वञिणो आहे हाल त सभ खे ठॻे। ॻाढ़ी ड्राख उन जे वल ते ही चांद रोकी, रुत बसंती आई आहे ॿेर त ॾिस कीअं बोकी, सूर उभारिया कुर्की कोयल छो न कयो कुझु तोकी, गर्त गुलाब जीअं अॼु आताज़ी नाहे प्रीत करो। चंड खजीअ जी बांह गिचीअ में पाए हेठि निहारे, चंड गिचीअ गिचीअ जे बांह चंड खजीअ जी बांह गिचीअ में पाए हेठि निहारे, नीरो नभ दरिया जीअं थो चंद्रमा खे तारे, पिपल पहाड़ बरन था ॾीआ वियो तारनि खे तारे, नेण अञा ताईं था लोचन साॻे ॾींहं नज़ारे, सिजु ॿुॾी वियो पाणीअ में ऐं नदीअ ते असांजी, चौधारी वण सांत समाया ऊंदहि कया आगां जी, सांत समंदर वांगुरु छुलके मूड़ो मन जो मांझी, तो झूपीअ में ॾीओ टिमके थालीअ थालीअ कांजी। आकाश समुंदर वांगुरु आहे ऐं चंड तरे ॿेड़ीअ जा,
हाँ तो कोई कोड बनाया सुरख कि समाया माही गीर घिरया घड़न में घिरड़न में गेले जार बचन सा जेको सब के रिस्क रसाए वारी आउन ही जा पौड़ी चेल चिबी सा काठियूं ढोए मुड़सोनिया जो कियन अघाई में थो रोए घर पर अची हुआ हुन लाए चावर वेठी सोए भाग अगे जिया साग सरा जो कंखे ढोए सचल सर शर्मस गायक मंदूम का जमा पेश करता या बिटाई का पहले पेश पेश करता कुछ अभ्यास करता है ये सदा और बाद गश्त सदा उनकी असलियत एक ही सी है सिर्फ आवाज की दुई पे नजा किस्मत फरेब देती है। सिंधी में ही जो पढ़ा दोस्तों सदु जे वाई वर रही वो आगे कद बुधण में बथिया सो ही सो हू सो अजल सो अलाह सो प्री सो फसा सो वेरी सो वायरू उसका तर्जमा पेश करता हूँ। आप ही दोस्त आप ही दुश्मन आप आगाज आप ही अंजाम असल में एक हकीकत मनो तू दरमयान लाख पर्दे अवाम जिंदगी मौत सांस दिल की फांस कौन जाने किते कौन जाने कि तेरे कितने नाम। सचल सरमस का पेश करता हूँ शुआर खास से उलझे शऊर आम से उलझे शुआर खास से उलझे शऊर आम से उलझे हमारा मसलक परवाज किस किस दाम से उलझे सबा जब सुल्फ जाना का प्याम में मुश्क भूल आई कभी हम कुफ्र से उलझे कभी इस्लाम से उलझे सरे मंजिल शऊरे पास का शिकस्त खोया खोया सा बसा औकात अपने ही ख्याल खाम से उलझे सचू हर कैफ मस्ती कुफ्र है इस बज़्म अस्थी में ये दौरे जाम कब तक गर्दश अंजाम से सांगी अहिड़ो ॿुधायां आज फिर बुए बहार आने लॻी के ये कहें जो भूल गया हूँ हाँ आज फिर बादे बहार आने लगी जिस्म जहाँ से बुए यार आने लगी बदलियों की छाँव में क्या बात थी याद जाना बार बार आने लगी रूह की गहराइयों से दफतन कोई खोई सी पुकार आने लगी मेरी आँखों से बरसने के लिए कोई रस में इंतज़ार आने लगी मुद्दतों के बाद सांगी आज फिर जख्म पनाह पर बाहर आने लगी। सर आप एक इंतहाई मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार चुके हैं और आजकल आप कौशलशीनी के हवाले से हयाती बिता रहे हैं तो आपके ख्याल में आपका आजकल का वक्त कैसे गुजर रहा है। अच्छा अब यह ख्याल आता है कि आपके ख्याल में आपके अदवार में से कौन सा दौर बेहतर था माजी का या जो भी आपका हाल चल रहा है अभी। एक शायर के अलावा
व्हाट आई हैव टू डू गैप ना नहीं गैप में ग्राउंड पॉइंट फिर से शुरू से आप एक शायर के अलावा खुद को क्या कहलाना पसंद करेंगे अपने आप को एक शायर के अलावा आप क्या कहलवाना पसंद करेंगे आपकी ज़िंदगी में सर किस किस्म की प्लानिंग रही और आपके वो कितने काम आए प्लानिंग किस किस्म के लोग आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहे आपके करीब रहे इनके साथ आपने अपनी ज़िंदगी बिताई हो वकालत आपका पेशा रही और आपने सैकड़ों मुकदमात में पैरवी की राजमन आपने कुछ जीते भी होंगे नाकामी भी हुई होगी कामयाबी भी होगी तो वो सारे मुकदमात और उनके रिजल्ट्स आपकी तख्लीकी सरगर्मियों पे क्या असर डालते थे आपकी शायरी में मुख्तलिफ रुझानात अपने अपने अदवार की अक्कासी करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपने अपने दौर जो भी आपने दौर गुजारा है भरपूर अक्कासी की है आपकी शायरी में सियासत भी रही इनकलाब भी रहा रोमांटिसिज्म भी रहा तो आपका कौन सा एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा पावरफुल लगता है उम्र के गुजरने में ना देख सकते उम्र के गुजरने के साथ साथ कौन से आपके शौक़ हैं जो आपके वजूद पर हावी रहे हैं आपको किस किस्म के खेलों से रुगबत थी फिर आप शायर कैसे बन गए आपने अपने शायरी के हवाले से कई मरतबा कैदोबंद की सहूबत हमें बर्दाश्त की है तो जब हम उस दौर पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि एक बड़े शायर की शायरी में इतनी शिद्दत नहीं जितनी होनी चाहिए आपका क्या ख्याल है जब जिक्र हो रहा है आपके कैदोबंद की साथों का तो उसको ही जब जिक्र हो रहा है साथों का गलत थी वहाँ जब जिक्र हो रहा है आपकी कैदोबंद की साथों का तो कुछ याद आ रहा है आपको कोई हवाला हो कोई जिक्र हो अक्सर एक वक्त आता है कि एक बहुत बड़ा शायर और बहुत बड़ा वकील जो है वो एक इदारे की तालीमी इदारे की सरबराही ज्वाइन कर लेता है आप वाइस चांसलर बन जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के कैसा रहा आपका वो तजर्बा नहीं मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपका तजर्बा कैसा था सक्कत से आप आए कराची आराम करने के लिए और यहाँ के आपने सहाफती जिम्मेदारियाँ संभाल ली तो आप खुद को मसरूफ़ रखना चाहते थे या इसकी कोई और वजह थी एक सहाफ़ी होने के नाते आपकी सहाफ़त से कैसे लिप सकी अच्छा इसी दौर में जब आप अखबार के मुदीर थे तो पता चलता है कि एक अवामी शायर अवाम से नाराज़ होता है तो उसकी नाराज़गी कितनी हद तक जस्टिफाइड हो सकती है इसी दौर में जब आपने अखबार ज्वाइन किया था तो आपने अखबार में दुआया नसरी इसी दौर में आपने सिंधी में दुआएं लिखने का सिलसिला भी शुरू किया तो आप वैसे तो हमारे पास एक नज़म की सिंध होती है लेकिन आपने उसमें नसरी हवाले से भी लिखा तो उसका क्या मुहर्रिक था इंतहाई ज़ाती हवाले से आप ख़ुद को क्या समझते हैं आप इंतहाई सादा हैं आप होशियार हैं आप मासूम हैं आप इंटेलेक्चुअल हैं आप क्या हैं आपकी तख्लीकात के हवाले से अगर देखा जाए तो आप बहुत शिद्दत पसंद नज़र आते हैं हमें आपकी शायरी में शिद्दत है आपके जज्बात में शिद्दत है आपके गुस्से में शिद्दत है आपकी नाराज़गी में शिद्दत है आपकी मोहब्बत में शिद्दत है तो आजकल आपका रवैया कैसा रहता है आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ रिग्रेट्स रहे हैं कुछ शर्मिंदगी हो किसी बात पे आपको
आप क्या समझते हैं कि आपके अंदर में हुजूम है या तन्हाई? सब कोई ऐसी कमज़ोरी जो शुरू दिन से आपके साथ रही हो और उम्र गुजरने के साथ साथ आपने इस पे काबू न पाया हो। शेख साहब, कोई ऐसी कमी जो अब तक पूरी ना हो सकी हो? एक सवाल बचन रह जी, वो हाँ कर सकता ठीक है ना, वो तो बहुत ही तो पर ही। अपने कलाम के लिए आपको कौन कौन सी आवाज़ें मुनासिब लगती हैं जो जिसने आपको गाया हो और आपको अच्छा लगा हो? आपकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो आप बहुत मुतरब नज़र आते हैं। आप कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, एक इज़्तिराब सा आपको खुद नुमाया होता है। तो इज़्तिराब एक शायर में है या एक शख्सी वजूद में? आप इतना ज़्यादा लिखते हैं तो जो आपका कलाम है वो आप खुद फेयर करते हैं या कोई दूसरा फेयर करता है? ठीक है, चलो ठीक है। आप इतना ज़्यादा लिखते हैं तो अपना कलाम जो है वो आप खुद तैयार करते हैं या कोई दूसरा आपकी मदद करता है? आपने सिंधी में नसर निगारी बड़ी खूबसूरत की, सफ़ेद वैशी काका कुरिया कापड़ी आपकी ऐसी तहरीरें थी नसर में जिन्होंने एक तहलका मचा दिया था। मगर जब आपके काम को देखते हैं तो पता चलता है कि आपने नज़म को ज़्यादा टाइम दिया है, ऐसा क्यों किया है आपने? आप जो कुछ लिख रहे हैं उसके पढ़ने के लिए एक उम्र तक और यकीनन आपने भी अपनी उम्र का बड़ा सा हिस्सा इसमें सरफ किया होगा, तो आप अपने रफीकों को, दोस्तों को, अपनी फैमिली को आपने कितना टाइम दिया? एक मिनट वगैरह चलिए, बाकी करो, बाकी बस सवाल है, बाकी बस ना कौन थी वन मिनट रुको, ठीक है अगर अदबी हवाले से आपकी चॉइस पूछी जाए और आपसे कहा जाए कि किसी भी कोई से भी पांच अदीबों के नाम आप एक फहरिस्त बना दें की जाए तो आप किन के नाम उसमें शामिल करना चाहेंगे? नौजवानों के हवाले से आपको किस में अपने किस किस शख्सियत में अपने फिक्र की खुशबू नजर आई? नौजवानों के हवाले से आपको कौन से नौजवानों में नहीं सवाल रखती थी अगर हमारी नस्ल को देखा जाए तो किन किन में आपको अपनी खुशबू नजर आती है? सर आप ऑटोग्राफ बुक में क्या लिखते हैं? थैंक यू सर।
दरअसल दरअसल शेख ख्याल साहब सिंधी शायरी में वो नाम है जिसकी शायरी में हमें सिर्फ नहीं शायरी नहीं मिलती लेकिन उसकी शायरी में बड़े अरसे का जो तारीखी शहूर है वो हमें जितना शेख ख्याल की शायरी में मिल रहा है और सिंधी शायरी में नहीं मिल रहा। भिटाई के बाद शेख ख्याल वो सिंधी पहला ही शायर है जिसकी समूरी शायरी पे दूसरे मौजूद के अलावा जो हमारी इस खत्े का और लोगों का जो दर्द उसके रस्म व रवाज उसकी खुशियाँ और उसका जो परतव हमारी शायरी में मिलता है वो सिंधी शायरी में और हमारी जो भी शायरी है उसमें इतना नहीं मिलता। ख़ास तौर पे जो हमारी तारीख का दर्द है जो इस पूरी सदी पे छाया हुआ है वो सिंधी शायरी में शेख ख्याल की शायरी में जितना मिलता है और सिंधी शायरी में कम मिलता है। और दूसरी बात यह है कि शेख ख्याल की शायरी में शेख ख्याल वो की शायरी में अब पहले ही शायर हैं जिसने हमें इतने अल्फाज दिए जो भिटाई के बाद हमारी समूरी जो सिंधी शायरी में उसमें कम मिलती है। और भिटाई की शायरी की ये अहम खूबी है कि उसने मुरवजा और गैर मुरवजा अल्फाज का इतना ज़खीरा दिया है जिस पे हम फख्र करते हैं कि इतने अल्फाज हमारी और समूरी शायरी में नहीं मिल रहे जितनी शेख ख्याल की शायरी में मिल रहे हैं। और मौजूआत के हवाले से जाग्राफी के हवाले से तारीख के हवाले से मुख्तलफ़ लबो लहजे के हवाले से हम जब ख्याल की शायरी को देखते हैं तो उसमें मुख्तलफ़ इलाकों के इस खत्े के मुख्तलफ़ लहजे और मुख्तलफ़ जो है अल्फाजों के स्टाइल मुख्तलफ़ जो बोले जाते हैं वो इकट्ठे शेख ख्याल की शायरी में हमें मिलते हैं और इतने अल्फाज और लहजे और तारीख़ और जाग्राफी इस खत्े की और किसी शायरी में कम मिलती है जितनी शेख ख्याल की शायरी में मिलती है। और हमें ये फ़ख्र है कि हम शेख ख्याल की शायरी को उसकी शायरी का मुताला करके हमने लिखना सीखा क्योंकि शेख ख्याल जी वो पहले शायर हैं जिसने एक बड़े नौजवानों के बड़े हिस्से को एक मुकम्मल जो नौजवान आज लिख रहे हैं वो शेख ख्याल अकेले ही थे जिसने हमें मुतासर किया और लिखने दी। वो शेख ख्याल ही हैं जिसको हमने जिसका हमने मुताला किया और उसके बाद हमने लिखना सीखा। हमें ये फ़ख्र है कि अयाज हमारे पूरे नस्ल पे जो हम आज नौजवान हैं जो लिखने वाले हैं उस पर फ़ख्र करते हैं कि हमारे पीछे अयाज है और इस वही है जिसने क्लासिकियत और जो आज नई शायरी है उस पे उतर अकेला ही शायर है जो उस मैार पर उतरते हैं जिसमें दोनों चीज़ें क्लासिकियत और आज की नई शायरी है बिल्कुल मॉडर्न शायरी जो हमें मिलती है वो फ़ख्र शेख ख्याल में मिलती है और उसमें कोई कहने में इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि शेख ख्याल इस दौर के सिंधी के तो क्या इस खत्े के तमाम बड़े शायर हैं और बड़े शायर की ये जो सारी खूबियाँ हैं वो अखट शेख ख्याल से मिल चुकी बस अच्छा ठीक और जो शेख ख्याल की सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात जो हम नौजवानों या हमारे जो नस्ल जो लिखने वाले हैं उस पर मुतासर कर रही हैं वो हैं शेख ख्याल की जो इसनाफ सुखन अयाज साहब ने जितनी इसनाफ सुखन पर काम किया है वो बहुत अंदाज है उसके बहुत अंदाज है और उसके बहुत जो हैं वो हैं मिसाल हमारी क्लासिक किस्म पर वाई से लेकर मॉडर्न सिंफ जो हमारी नहीं है तराई ये सारी असनाफ सुकून जो है वो अयाज के कलम से निकली है और इतनी खूबी से निकली है कि हमने आप जब अयाज के तराइल पढ़ेंगे तो मुझे ये कहने में कोई नहीं हो रहा कि वो जो खुद लिखने वाले हैं फिर तराइल उससे भी अच्छे जो हैं वो शेख ख्याल सिंधी में तराइल लिखे हैं उसका जो नया मजमू आया है उसमें जो तराइल है वो महसूस नहीं हो रहा कि ये कोई बाहर की असनाफ है या कोई दूसरी है वो बिल्कुल निज और यहाँ खिते की लग रही है उसमें इस खिते का दर्द इस खिते की खुशियाँ इस खिते के रसूम और रवाज सारे जो है वो उनमें मिल रहे हैं और वाई है बैत है हाइको है हाइको खुद अयाज के हम जब पढ़ते हैं तो उसमें भी जो शेख ख्याल साहब हैं वो बिल्कुल नुमायाँ और हाइको जापान वाले अब सिंधी जानते हों तो वो भी देखेंगे कि ये हमारी सिंफ नहीं है या ये सिंधी की सिंफ है। और बड़ी बात ये है कि उसमें वो हमारी क्लासिकियत जो बैत से मिलती है वो सारी मॉडर्न जो ये असनाफ सुगुन है उसमें शेख ख्याल साहब ने डाल के ये सिंधी शायरी बिल्कुल अनोखा।
تجربہ کیا ہے. بس ادا صاحب یہ نا اردو میں لگتا کسی زمانے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کہا تھا کہ سچل سرمست میری شاعری کی شمع کو روشن کریں گے. اس صدی نے وہ شمع شیخ ایاز کے ہاتھوں میں دے دی اور شیخ ایاز اس صدی کے وہ عظیم شاعر ہیں جو سندھ کی علامت بن چکے ہیں. جب کہیں بھی سرزمین سندھ کا ذکر نکلے گا تو شیخ ایاز کا نام ہمارے آنکھوں کے سامنے ریشمی بادل کی طرح نمودار ہوگا. شیخ ایاز کی شاعری نے ہماری زندگی کو متاثر کیا ہے. شیخ ایاز کی شاعری نے ہماری زندگی کو متاثر کیا ہے, ہماری سیاست کو متاثر کیا ہے, ہماری شاعری کے ادبی روایات کو متاثر کیا ہے اور ہمارے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے. وہ اپنے فن کے یکتا ہیں. اس سے پہلے اس طریقے کی شاعری, اس اسٹائل کی شاعری, اس پیٹرن کی شاعری, اس خیالی دنیا اس طرح کی شاعری پہلے سندھی زبان میں جو شیخ ایاز نے اپنی شاعری ابا ہانے مجھے تھی گڑبڑ پرے تھو ہاں ہاں بس ٹھیک شیخ ایاز نے جو اپنی شاعری میں علامتیں ٹھیک بڑو کم کی شیخ ایاز نے اپنی شاعری میں جو تشبیہیں, جو استعارے, جو اشارے اور جو علامتیں استعمال کی ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں اور ان لوگوں کے قریب ہیں جن کی شیخ ایاز شاعری کر رہے ہیں. شیخ ایاز نے جو تشبیہیں استعمال کی ہیں, جو استعارے استعمال کیے ہیں, جو علامتیں استعمال کی ہیں وہ یقیناً اپنی سابقہ شاعری, اپنی شاعری کی جو روایت ہیں, ہماری سندھی شاعری کی جو روایات ہیں ان سے ملتی ضرور ہیں, مگر انہوں نے اپنی ایک ذہن, اپنی ایک سوچ, اپنا ایک خیال چیزوں کو دیکھنے کا, جو شیخ ایاز جو چیزوں کو جیسے دیکھتے ہیں وہ انہوں نے اپنے زبان میں, اپنے قلم کی نوک سے ان کو, اپنے صنف کے پیرہن ان کو, صنف کی پیرہن بابا نصیر وہ بابا مجھے بتاؤ وری ساگو ہی کیا ہاں ہاں شیخ ایاز نے جو سندھی غزل کی صنف میں لکھا ہے اس سے پہلے سندھی غزل رنگ و بو, رخسار, زلفوں اور پتہ نہیں کس چیزوں میں گم تھا سندھی غزل, اور وہ صرف قافیہ اور ردیف سے شاعر ان کو نبھاتے تھے, مگر شیخ ایاز نے اس کو نئی زندگی دی ہے, اس کو نیا رنگ دیا ہے,
पहले सिंध का जो गज़ल था वो सिंध का गज़ल सिंधी काफ़ी के लिबास में छुपा हुआ था, मगर शेख अयाज ने जब गज़ल लिखा कि प्रिय जे पखे में वनी थो अयाज टिड़ी आह टांगर बटे फूल खण, अड़े सितारन भरे उब हेठा नसुम सितारा ॾिसी याद ईंदई सजण, सारे शहर वसाया पत्थर जिनसां चिकना चूर हुयो पोग ते हुन नारा मारिया मुड़स को मंसूर हुयो, या सखी पिया के मिली त चइजां चांदनी तो सिवा न थींदी अचीं त मुंहिंजे उमास में आ छो त ॿी राति कान ईंदी। ये गज़ल उसने अपनी सारी गज़ल की जो रवाया जो उसकी गज़ल की जो खूबियां हैं जैसा हाँ मुखा ॿुधाए डॼी वियो मां ॿ मिंट थोरो मां थोरो लिख सां तो इससे पहले जो सिंधी गज़ल था वो सिंधी काफ़ी के लिबास में छुपा हुआ था, मगर शेख अयाज ने उनको गज़ल की जो रवायात हैं गज़ल के जो मौजू हैं गज़ल की जो जान है वो उसमें उसने पेश की है, और उसमें ज़्यादातर उसने अपनी मिट्टी को अपनी ज़मीन को और अपनी ज़मीन के खूबसूरतों को मौसमों को पहाड़ों को झीलों को अपने गज़ल में पेश किया है। इससे पहले गज़ल इस तरह से नहीं लिखी गई थी सिंधी में। हमारे सिंध के बहुत शोरा गुजरे हैं जिन्होंने गज़ल बहुत लिखे हैं, मगर शेख अयाज ने गज़ल के सिंध को अरूज तक पहुँचा दिया। फिर हमारी क्लासिकल सिंफ है वाई वाई शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने ही अच्छी तरीके से लिखा भी है, वो उसके मौजूद भी हैं, मगर उसके बाद शेख अयाज वो सिंधी के पहले शायर हैं जिसने वाई को इस सदी की जो गुर्जे हैं इस सदी की जो मसले हैं इस सदी के जो पेचीदा और जो मसाइल हैं उससे उसको हम आंग किया है, और उसने भी वायु के वायों में जो कमाल किया है इससे पहले कभी वो सिंधी शायरी में मौजूद नहीं था। तोड़े बूटे ई दर निंड अचे कान थी ॻोड़ा छपर प्यार जा पखी घायल पर निंड अचे कान थी, या उसने इसमें वाई में जो डिक्शन दिया है जो अल्फाज दिए हैं जो ज़बान दी है, तो मैं कहता हूँ कि फैज़ मन फैज़ उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं और सरबोर शायर हैं उर्दू के, मगर उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की है अपनी शायरी की जो सिलेक्ट की है ज़बान वो उससे पहले उर्दू शायरी में जा बजा हमें मिलती है। हमें नज़ीर अकबर आबाद के पास भी वो ज़बान मिलती है, हमें मीर के पास भी वो ज़बान मिलती है, हमें गालिब के पास भी वो ज़बान मिलती है, हमें जोश मली आबाद के पास भी वो ज़बान मिलती है, हमें इकबाल के पास भी वो ज़बान मिलती है, मगर शेख अयाज वो सिंधी के पहले शायर हैं जिन्होंने अपने ख्याल के साथ ज़बान को भी जराफत किया है, ज़बान भी नहीं इस्तेमाल की है। पहले ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं थी वाई में कि तांग न ताड़े तांगा तड़ अव तड़ आओ मियाँ जरते नीरा गहरा सांझ सुनहरा नीरा गिर सांझ सुनहरा नीरा गहरा जरते पोया रीजा पड़ या तूत कंधीअ जो कांध मियाँ हाय कुंडीअ में मुंहिंजो मन छिरकी छिरकां छिरकी तिरकां तोखे कोन ॾिसां हाय कुंडीअ में मुंहिंजो मन। तो ऐसी उन्होंने ज़बान से भी उन्होंने ज़बान की भी ज़बान को भी दराफत किया है, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं या उनका जो है हर लफ्ज़ का भी एक लफ्ज़ शनासी होती है। उर्दू पंजाबी के एक शायर का शेर है कि हर हरफ एक दूजे हरफ दा पर्दा में तू क्यास न होया सारी उम्र हरफ लिखे सूँ हरफ शनास न होया। तो मैं मेरे ख्याल में शायरी शेख अयाज के सामने अपने दरवाज़े खोल देती है, और जब शेख अयाज के पास वो शायरी पहुँचती है तो वह एक खूबसूरत मौसम का खूबसूरत बादल का खूबसूरत परिंदों का परिंदों की परवाज़ लेकर उड़ती है। मेरा बुद्धि
تو میرے خیال میں شیخ حیات اس صدی کے ایک قداور ایک بڑے شاعر ہیں, اور آنے والی صدی بھی ان کی مرہون ملت ہوگی, مرہون ملت ہو جبان ساڑی والی مرہون منت رہے گی, یہ نہ مرہون منت ہوگی یا یہ تاج جملا سائیں تاج چلو تو چرما کرے ہاں تو شیخ حیات اس صدی کے بہت بڑے شاعر ہیں, اور ان کا مقام سندھی شاعری میں ایک ٹرینڈ سیٹر کے حساب سے بھی لگتا ہے کہ انہوں کی شاعری شیخ حیات کی شاعری سے ہی کتنے نوجوان کتنے اور لکھنے والے ان کے پیچھے چلتے رہے ہیں. وہ اگر لکھتے ہیں ہائیکو لکھتے ہیں تو ساری سن کے سب شاعر ہائیکو ہی لکھتے رہتے ہیں, اگر وہ وائی لکھتے ہیں تو سن کے سب شاعر وائی لکھتے رہتے ہیں, اگر وہ بیت کی طرف آتے ہیں تو سن کے سب شاعر بیت کی طرف آتے رہتے ہیں, اگر وہ غزل کو چھوتے ہیں تو سن کے سب شاعر غزل ہی لکھتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں شیخ حیات کا مقام سندھی شاعری کے حساب سے بہت بڑا ہے, اور بیسویں صدی میں سندھ نے اگر دنیا کو دکھائیں کہ بیسویں صدی میں سندھ میں کون سا شاعر پیدا ہوا ہے تو صرف شیخ حیات ہی ہے. شیخ حیات کی شاعری پہ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں, انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ توں جو مکھاں پو اچی کینجر کھاں کارونجر تائیں منجی پھلڑیوں پھلڑیوں ڈات دسیں شال ایو سمجھیں ڈات وڈیشے ناہے پر سچ وڈیشے آہے ایں جو سچ جو مچ مچائے سا مچ وڈیشے آہے. شعر و ادب کی دنیا میں یہ صدی شیخ ایاز کے آواز کی صدی ہے. سندھی ادب کے حوالے سے وہ تو یوں کہا جائے کہ صدی کا اثاثہ ہے تو غلط نہیں ہوگا. بیسویں صدی کے دروازے پر مجھے پورا یقین ہے کہ سندھی شعر و ادب کے حوالے سے صرف شیخ ایاز کے نام کا دیا ہی جلے گا. شیخ صاحب کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے, آؤں رابیلتے ماکتھی محکندس, آؤں رابیلتے ماکتھی محکندس, جیئں پرے جا پکی آؤں تیئں چہ کندس, آؤں آیا ہتے زندگانی جیاں, گم نہ تھیندس پری عمر پانی جیاں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 171 سال بعد سندھ دھرتی پر شیخ ایاز کا جنم ہوا. عجب اتفاق ہے کہ شیخ ایاز کی شاعری شاہ لطیف کے شاعری کا تسلسل ہے. شیخ ایاز کے شاعری پر اور اس کی شاعری کے شاخوں پر جو پھول کھلے ہیں اس کی جڑیں شاہ لطیف کے رسالوں میں ہیں. شیخ صاحب خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, آؤ بھٹائی آؤ تجھی کی ہے مونجوں اکھیں, ڈسموں تجھے کی نرو بھورو نہ ہے پا, ساگیو جو بے جڑا ساگیا سرنا ساز جا. کسی بھی صدی کے عظیم شاعر کی پہچان اس کا ڈکشن اس کا لب و لہجہ ہوتا ہے. شیخ حیات صاحب نے جدید اور قدیم الفاظ سے اپنی شاعری کا جو منفرد اور نرالا ڈکشن اختیار کیا اس نے نہ فقط سندھی زبان کو طاقتور بنایا مگر اسے مزید مترنم بھی بنایا. شیخ صاحب کی کچھ شاعری کی مثالیں پیش کرتا چلوں, سکی ہوا میں ہگاؤ آہے گلی گلی گیت تھی ویا, سکی ہوا میں ہگاؤ آہے گلی گلی گیت تھی ویا, پیا بنا نند کی آئیندی بسنت جی رت بے چیا. شیخ صاحب کی شاعری کی جو رینڈرنگ ہے جو کسی بھی بڑے شاعر کو بڑا شاعر کر کے پیش کرتی ہے, یہ گیت گلابی جھڑپڑ جا, یہ گیت گلابی جھڑپڑ جا, ہی ساون جا من بھاون جا, ہی آگم آگم آون جا, ہی گیت اُنیائل مورن جا, ریتیے تے کنٹھ کٹھورن جا, ہی گیت تکھن طوفانن جا, ہی گیت اٹل انسانن جا.
یہ لہجہ ہے جو ان کو برصغیر کے دوسرے سندھی اور دوسری زبان میں شاعری کرنے والے شاعروں میں نہ فقط ممتاز کرتا ہے بلکہ نمایاں ان کو حیثیت دلواتا ہے. اس وقت برصغیر میں ان کے ہم عمر شعرا جو موجود ہیں احمد ندیم قاسم صاحب ہیں, سلطان مجہو صاحب ہیں, کیفی اعظم صاحب ہیں, مگر آپ یقین کریں کہ ان سب ہم اثر شعرا اور ہم عمر شعرا میں شیخ حیات صاحب, جن کا تعلق سندھ سے ہے, پاکستان سے ہے, ان کا شعری سفر ان کے مقابلے میں رکا نہیں ہے. وہ اس وقت بھی تازہ ترین شعری مجمعے کی تیاریوں میں مصروف ہے اور پیبلو نرودا کی طرح ان کے 50 کے قریب شعری مجمعے ہیں جس میں سندھی شاعری اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. یہ بہت کم ہوا ہے کہ دنیا میں بہترین شاعر بہترین نثر نویس بھی ہو. یہ سندھی زبان کے لیے ایک بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ 1964 میں ان کی کتاب آئی تھی کاک ککوریا کاپڑی. دراصل ایک روٹین نثر سے ہٹ کر یہ وہ شاندار کتاب تھی جسے سندھی نثر کے لب و لہجے نے تفقت قبول کیا ہے, مگر نثر کا وہی انداز ہے جو اس وقت سندھ کے نوجوان باقاعدگی کے ساتھ لکھ رہے ہیں. عظمت انسان, محبت, امن و سکون اور مستقبل کے بہتر خواب ہر شاعر دیکھتا ہے. یہی خواب شیخ حیات صاحب بھی دیکھ رہا ہے. اہی دھرتی نیٹ مہکی تھیندی کو گلزار سبھانے, آؤں دکھا تو جے لہانے. نہایت سادہ سے الفاظ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں تو یوں کہوں کہ شیخ حیات جیسے شاعر کسی بھی صدی میں بہت نصیبوں اور قسمت سے پیدا ہوتے ہیں. میں تو ان کا گواہ ہوں, مگر سندھ کی آئندہ نسلیں بھی اس بات کی گواہ رہیں گے. اور شیخ حیات صاحب خود بھی فرماتے ہیں, مردا سنگھ مٹی ماں پہنجے جڑندا کئی جام, مردا سنگھ مٹی ماں پہنجے جڑندا کئی جام, نواں نواں متوالا ایندا ہندا تنجی ہام. نہ